ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे, आपका अपना चैनल। पावर ऑफ पर्सनालिटीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम जयप्रकाश नारायण के बारे में बातें करेंगे, एग्ज़ाम रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे और अपनी तैयारी को एक नया धार देंगे, क्योंकि वो देना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, माइंड माई वर्ड्स, बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। बीपीएससी एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज के दौर से गुजर रहा है। तो अगर हम बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो हमें अडेप्ट करना होगा और उसी तरह से तैयारी करनी होगी। वो ज़माना गया जब आप वन लाइनर्स रटते थे और रट के एग्ज़ाम में लिखाते थे। 68 बीपीएससी में बतख मियाँ का सवाल आया था, किसी को नहीं पता था, वैसे वो टफ सवाल था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई किताब थी, वो हमें नहीं पता था, वो टफ सवाल नहीं था। वहाँ पे हमारी गलती थी कि हम बिहार के प्रोमिनेंट लीडर और उनके उनके द्वारा किए गए कामों को नहीं जानते हैं। तो चूंकि बीपीएससी में पर्सनालिटीज से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो इसलिए हम ये सीरीज़ को कर रहे हैं और इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पावर ऑफ पर्सनैलिटीज़ के नाम से है, ठीक है। तो इसको देखें, लाभ उठाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, कोई भी बात हो कमेंट करके बताएं। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण के बारे में हमें पढ़ना है। जयप्रकाश नारायण की ये बहुत फेमस तस्वीर, गांधी मैदान पटना में जो रैली हुआ था, टोटल रिवॉल्यूशन, है ना, जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू के साथ, ठीक है। देखिए, हु वाज जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे, उनका जन्म 1902 में सिताबदियारा में हुआ, ठीक है। सिताबदियारा जो है छपरा में पड़ता है, राजेंद्र प्रसाद के आसपास इनका कहीं पे तो घर था, गांव, ठीक है। इन पे ये जब इनिशियल फेज में थे ना, तो ये पटना पढ़ने के लिए आते हैं, पटना के बीएन कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, बिहार नेशनल कॉलेज में। बीएन कॉलेज में पढ़ने के दौरान इन्हें इनकी मुलाकात जो है बाकी लोगों से, जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए, जो बाद में बिहार के बहुत बड़े बड़े लीडर्स बने, उनसे मुलाकात होती है। तो होता क्या है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम होता है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के पहले पूरे देश में कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को भेज के और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, तो मौलाना आज़ाद पटना आते हैं और वो लोगों से अपील करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। अब सवाल ये है कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपील था, तो इस अपील का असर जो है ना, वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग पड़ता है। बट स्टूडेंट्स चूंकि अपने यूथ में होते हैं, तो उन्हें इस तरह की चीज़ों में, और ख़ासकर तब जब नेशनलिज्म की बात हो, देश को आज़ाद कराना हो, अंग्रेज़ों से लड़ना हो और बाकी सारी समाज की समस्याओं को ख़त्म करना हो, तो जब हम अपने यूथ एज में होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और यही चीज़ जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ। मौलाना आज़ाद के, एक तो मौलाना आज़ाद खुद ही बहुत एकदम परिष्कृत ओरेटर थे, मतलब बहुत शानदार भाषण दिया करते थे, है ना, और ऊपर से जयप्रकाश नारायण जो अपनी मातृभूमि के प्रेम में ओतप्रोत थे, तो ये बीएन कॉलेज छोड़ देते हैं, ठीक है, बीएन कॉलेज छोड़ देते हैं और इनका एग्ज़ाम 20-21 दिन बाद ही फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद डिग्री मिलने वाला था, लेकिन ये 20 दिन भी नहीं रुकते और कॉलेज छोड़ देते हैं बिना ये सोचे हुए कि यार डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी के मेंस में जब ऐसे लिखना हो तो उसमें इसका बहुत शानदार यूज़ किया जा सकता है। खैर, इसके बाद ये बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन करते हैं। बिहार विद्यापीठ के बारे में राजेंद्र प्रसाद वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये पढ़ाई पूरी करने, फिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल बैक कर लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण यूएसए चले जाते हैं और यूएस जाके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और इनकी पत्नी प्रभावती देवी मीन टाइम में गांधी जी के यहाँ साबरमती आश्रम चली जाती हैं और वो वहीं पे रहती हैं और गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इधर जयप्रकाश नारायण यूएसए में है। यूएस में उस समय क्या है, ये देखिए 1920s का दौर है ना, और 1920s के दौर में अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो एमएन रॉय का नाम सुना होगा, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रहा था, इंडिया से एमएन रॉय रिप्रेजेंट कर रहे थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत चरम पे था उस समय, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था,
रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, ठीक। वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो चुका था, वर्ल्ड वॉर टू की तैयारी आप कह सकते हैं कि वो जर्मनी के राइज के साथ हो रहा है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो सोशलिज्म का वो समय दौर था और उसी सोशलिज्म का असर जयप्रकाश नारायण पे भी यूएसए में पड़ता है। वो कार्ल मार्क्स की किताबें बहुत पढ़ते हैं, एम एन रॉयल से बहुत इन्फ्लुएंस थे और बाकी जो पूरा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसका बहुत गहन अध्ययन करते हैं और उनको दिखता है कि इस आइडियोलॉजी के द्वारा ही देश में सही आज़ादी आ सकती है। खैर इसी बीच वो 1929 में इंडिया लौट के आते हैं वापस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। किनके इनविटेशन पे? जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पे, ठीक है। तो इस तस्वीर से याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में ज्वाइन करते हैं, किसके इनविटेशन पे? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1929 में, ठीक है। और इनके मेंटोर जो है वो गांधी जी होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है कि इनके राजनीतिक गुरु या मेंटोर कौन थे, तो गांधी जी थे, ठीक। अब होता क्या है कि इसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू होता है। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में ये काफ़ी सरकार का विरोध करते हैं, नमक कानून को तोड़ना और बाकी सारी चीज़ें जो है जो एंटी गवर्नमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम है वो करना है, ठीक है। तो इनको जेल होती है और जेल होती है तो ये जेल में वहाँ पे राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और ऐसे बाकी सोशलिस्ट लीडर से मिलते हैं जिनका झुकाव सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ था, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और बाकी इसी तरह के लीडर्स के साथ। और ये जो ग्रुप है, ये जो एसोसिएशन है इनका, यही बाद में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है तो उस समय अंडरग्राउंड मूवमेंट करता है। खैर और जेल से निकलने के बाद ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि कांग्रेस के अंदर में था, कांग्रेस से बाहर नहीं है, कांग्रेस एक पार्टी है, उसी पार्टी में जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक तरह से पार्टी के अंदर में पार्टी बनाया था। तो उस पार्टी को बनाने वाले थे, उसके प्रेसिडेंट जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और जनरल सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में भी जयप्रकाश नारायण का बहुत अहम योगदान, बहुत ही अहम रोल रहा था। मीन वाइल अब देखिए, 19 गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में डिफरेंसेस है, उनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल जो है वो डिफरेंसेस काफ़ी समय से था। तो उस डिफरेंस को ये ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं, गांधी जी और बोस को एक साथ एक मंच पे एक पन्ने पे लेके आने की कोशिश करते हैं, बट ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाती है। अब याद कैसे रहेगा आपको? तो जयप्रकाश नारायण क्यों कोशिश कर पाते हैं? क्योंकि एक तो कि गांधी जी इनके मेंटोर थे और दूसरी बात है कि सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण दोनों ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज में विश्वास रखते थे। तो इस नाते बोस से उनका जान पहचान था, बोस से उनकी दोस्ती थी, बोस से हमदर्दी थी और बोस के आइडियोलॉजी में भी विश्वास रखते थे। और गांधी जी चूंकि उनके राजनीतिक गुरु मेंटोर थे तो इस नाते गांधी जी से उनकी हमदर्दी थी। तो वो चाहते थे कि बोस और गांधी दोनों एक फ्रंट पे आ जाएं, एक साथ आ जाएं, क्योंकि दोनों का एम सेम था। बोस और गांधी का एम सेम है, क्या? देश की आज़ादी। बट रास्ता अलग था, है ना। गांधी जी का रास्ता अलग और बोस का रास्ता अलग, ये कभी हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। चलिए इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में आ जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होता है? गांधी जी जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं उस समय जयप्रकाश नारायण जो है वो जेल में होते हैं। जेल में क्यों होते हैं? वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू होने वाला होता है तो जो एक डिबेट चलता है कि इंडिया को, इंडियन लीडर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ का कहना था करना चाहिए, कुछ का कहना था कि नहीं करना चाहिए, कुछ का कहना था कि भाई वॉर तो ठीक है बट हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे, हम लोग के पास तो कोई साधन नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो पहले सरकार हमें पॉलिटिकल पावर दे। खैर तो जयप्रकाश नारायण को इस वजह से जेल में रखा जाता है, वो हजारीबाग जेल में बंद थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से, तो जयप्रकाश नारायण उसके बाद बहुत उत्सुक हो जाते हैं और उनकी बेचैनी बढ़ जाती है कि जेल में रहेंगे तो देश के लिए कैसे काम करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला और इनके साथ और भी काफ़ी लोग जो है हजारीबाग जेल की दीवारों को लांग जाते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से अंडरग्राउंड मूवमेंट करने के लिए। मीनवाइल जयप्रकाश नारायण की तबीयत खराब होती है और ये योगेंद्र शुक्ला हैं जो जयप्रकाश नारायण को अपने कंधे पे लेके गया से, हजारीबाग से गया पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उनके साथ कौन थे या उनके साथ वाले जब उनकी तबीयत खराब थी तो कौन उनको लेके जा रहे थे। जब ये सवाल बीपीएससी पूछ सकता है कि हजारीबाग जेल से भागे थे तो वो कौन सा दिन था, कौन सा त्यौहार था, दिवाली था कि दशहरा था या बैसाखी था, तो ये सवाल तो बनता है, ये पूछा जा सकता है। तो योगेंद्र शुक्ला का नाम याद रखिएगा।
एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जयप्रकाश नारायण का, आजाद दस्ता फ्रीडम ब्रिगेड नेपाल में स्टैब्लिश किया था इन्होंने, और इसका फिर अलग अलग ब्रांच बहुत जगह स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन मोटो क्या था? इसका मोटो था भाई कि फ्रीडम लेना है किसी भी कॉस्ट पे, सरकार को पैरालाइज करा देना है, सरकार का काम जो है उसको होने नहीं देना है सुचारू ढंग से, उसको डिस्टर्ब करना है। और जयप्रकाश नारायण जो है आर्म्स और वायलेंस से कोई परहेज नहीं रखते थे, गांधी जी इनके मेंटोर थे, बट था कि आज़ादी चाहिए और यंग भी थे तो आर्म्स और वायलेंस जो है उससे इनका कोई परहेज वैसा नहीं था कि नहीं करना है। इफ़ वी हैव टू गेट फ्रीडम देन वी कैन यूज़ आर्म्स, वी कैन रिजॉर्ट टू वायलेंस, बिकॉज समटाइम्स वायलेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश पीस, है ना। बहुत बार शांति को स्थापित करने के लिए युद्ध करना पड़ता है, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था शांति स्थापित करने के लिए। खैर, ये अगेन अरेस्ट हो जाते हैं पंजाब जाते समय जेल ट्रेन में, तो इनको जेल रखा जाता है। अब होता क्या है कि इसी समय कैबिनेट मिशन आता है, तो गांधी जी बोलते हैं कि जब तक राम मनोहर लोहिया को और जेपी को नहीं छोड़ोगे कैबिनेट मिशन से कोई बातचीत नहीं हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखेंगे। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, चाहे आप बिहार के लिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक में ये फैक्ट्स अवेलेबल है, ये नहीं अवेलेबल है। इनको टाइटल क्या मिला था? जब ये छूटते हैं कैबिनेट मिशन से, बात तो करनी थी सरकार को, तो बात करना था, कैबिनेट मिशन को आगे बढ़ाना था, तो जेपी और लोहिया छूटते हैं। जब ये छूटते हैं तो बहुत खुले दिल से और बहुत भव्य स्वागत किया जाता है, और इनको टाइटल दिया जाता है द हर्ट ऑफ इंडिया, द किंग ऑफ द हर्ट ऑफ यूथ्स, है ना। तो ये आज़ाद दस्ता और उससे रिलेटेड कहानी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का इनका रोल क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंट ये कांग्रेस छोड़ देते हैं, एंटी कांग्रेस कैंपेन में शामिल हो जाते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं, इनके साथ और भी लीडर्स हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। खैर, उसके बाद राजनीतिक एक तरह से इनका वर्चुअली संन्यास ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सोशल रिफॉर्म और इस तरह के रिफॉर्म्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। भूदान मूवमेंट था विनोबा भावे का, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंडलेस को लैंड मिलना चाहिए, और इस तरह के सोशल रिफॉर्म, सोशल कंस्ट्रक्शन के काम में वो लग जाते हैं, है ना। और उनका इसमें वो कुछ आइडियाज देते हैं, जैसे चौखंबा राज, ये भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। चौखंबा राज क्या था? देखिए, आज हमारा थ्री टीयर सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और नीचे में लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज। इनका कहना था कि फोर टीयर हायरार्की होना चाहिए, एक विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट और उसके बाद यूनियन, इसको चौखंबा राज बोला जाता है। तो चौखंबा राज की परिकल्पना, चौखंबा राज का कॉन्सेप्ट, चौखंबा राज प्रिंसिपल या फोर टीयर प्रिंसिपल किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण क्रांति की भी अवधारणा इन्होंने ही दी थी, संपूर्ण क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया था। हुआ क्या था? टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी तो उन पर काफ़ी एलिगेशंस लग रहा था, एक तो कि उनका जो इलेक्ट्रोल लॉस उन्होंने वायलेट किया था, राजनारायण केस अगर आप जानते होंगे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई, और इसलिए उनका प्रधानमंत्री का पोस्ट भी जाता, लेकिन इसी बीच इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो टोटल रिवोल्यूशन उसी के बाद जयप्रकाश नारायण, जो आपने ये तस्वीर देखी ना, ये तस्वीर टोटल रिवोल्यूशन की तस्वीर है, कि संपूर्ण क्रांति चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म भी चाहिए, सोशल रिफॉर्म भी चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी चाहिए, कल्चरल रिफॉर्म, आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह का रिफॉर्म। तो बेसिकली हमें संपूर्ण क्रांति याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और किन के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी? इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रही थी, है ना। और ये सब कुछ शुरू हुआ था स्टूडेंट मूवमेंट से, और उसी स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हैं जो आज के आपको बड़े बड़े लीडर्स बिहार के और उत्तर प्रदेश के दिखते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे सुशील कुमार मोदी हों, चाहे रविशंकर प्रसाद हों, तो और भी बहुत सारे लीडर्स ये इसी स्टूडेंट मूवमेंट पॉलिटिक्स से वो निकले थे। तो खैर, और इनका सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। सर्वोदय का मतलब होता सर्व, सभी का उदय, प्रोग्रेस फॉर ऑल, ठीक है। तो इन आइडियाज में विश्वास रखते थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न भी मिला 1999 में पोस्थमसली, यानी कि मरणोपरांत इनको इनके सोशल वर्क्स और देश के लिए जो इन्होंने काम किया था उसके लिए इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। भारत रत्न जो देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये थी कहानी। अब आ जाते हैं किताब पे, बुक्स इन्होंने क्या क्या लिखी है। एक तो नेशन बिल्डिंग इन इंडिया इन्होंने लिखा है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया,
ठीक है, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक। तो याद रखेंगे इस किताब को भी, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। तो पहले स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया हुआ, जब स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से फ्रीडम मिल गया, देन नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, तब हमें राष्ट्र का निर्माण करना था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी किसने लिखी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। उत्तर प्रदेश के बहुत ही महान साहित्यकार हुए राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके अलावा एक किताब और याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स रिवोल्यूशनरीज ऑफ बिहार, है ना, जो हजारीबाग जेल से एस्केप करते हैं। इसके राइटर हैं जवाहरलाल वर्मा। क्या पता खुदा न खास्ता बीपीएससी अगर पूछ दे, तो एक छोटा सा फैक्ट है, याद रख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स रिवोल्यूशनरीज ऑफ बिहार, डॉक्टर जवाहरलाल वर्मा। ठीक है, डॉक्टर जवाहरलाल वर्मा, जयप्रकाश नारायण एक जीवनी, राम वृक्ष बेनीपुरी, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जयप्रकाश नारायण, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश नारायण पे था हमारा डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें भी जो टोटल रिवोल्यूशन करना है कि बीपीएससी के एक एक एस्पिरेंट तक पहुंचना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है। तो पढ़िए, पढ़ाइए, देश को, गाँव को, समाज को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।